हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और देखिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन और drogaji.com पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नोकिया ब्रांड ने भारत में अपना नया एंड्रॉइड स्मार्टफोन नोकिया 2 पेश कर दिया है। नोकिया 2 की खासियत की बात करें तो इसमें 4100mAh की बैटरी है, इसलिए कंपनी ने दावा किया है कि नोकिया 2 की बैटरी करीब 2 दिन तक का साथ देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में ही नोकिया 2 के लिए ग्लोबल लॉन्च इवेंट का आयोजन किया गया था। फिलहाल नोकिया 2 की ग्लोबली कीमत करीब 99 यूरो यानी कि 7500 रुपये तक रखी गई है और नवम्बर के मध्य तक इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। डिटेल्स देखें तो हैंडसेट की बॉडी 6000 सीरीज एल्यूमिनियम की बनी है। इसका पिछला हिस्सा पॉलीकार्बोनेट का बना है। ये बेहद ही पतला स्मार्टफोन है जिसकी डिजाइन भी प्रीमियम है। चमकदार बैक के साथ इसका रियर भी स्मूथ है और पकड़ भी अच्छी बनती है। स्मार्टफोन का डायमेंशन देखें तो इसकी हाइट 143.5mm विथ 71.3mm और स्मार्टफोन की थिकनेस 9.30mm की है। यह फोन प्यूटर ब्लैक, प्यूटर व्हाइट और कॉपर ब्लैक रंग में उपलब्ध होगा। नोकिया 2 में 5 इंच का HD LTPS LCD डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1280 पिक्सल का है। स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। डिस्प्ले की क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट भी बढ़िया है। साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि यह स्क्रीन बैटरी का कम इस्तेमाल करती है, तो ज्यादा वीडियोस, मूवीज, चैट या वेब ब्राउजिंग करने पर बैटरी का कम इस्तेमाल होगा। अब इंटरनल हार्डवेयर और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो नोकिया के इस फोन में 1.3GHz क्वाड कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 212 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। वैसे दोस्तों, कीमत के लिहाज से ये प्रोसेसर कमजोर है। हमारे ओपिनियन से इस प्रोसेसर के कारण यूजर स्मार्टफोन का बहुत ही हल्का इस्तेमाल ही कर पाएंगे और सामान्य इस्तेमाल करने की दूसरी वजह है छोटी व कम रैम। डिवाइस में रैम 1GB है तो मल्टीटास्किंग नहीं हो पाएगी। इनबिल्ट स्टोरेज 8GB है और जरूरत पड़ने पर 128GB तक के माइक्रो एसडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाना भी संभव है। जाहिर है कि इंटरनल स्टोरेज बहुत ही कम है तो यूजर को माइक्रो एसडी कार्ड पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर इंटरनल हार्डवेयर कमजोर है पर दोस्तों, सॉफ्टवेयर निराश करने वाला नहीं है। हैंडसेट आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 7.1.1 नॉगट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। कंपनी ने एंड्रॉइड ओरियो के अपडेट का भी वादा किया है। नॉगट के कारण यहाँ पर गूगल के काम के ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं, पर कंपनी का कहना है कि कोई भी बिना वजह का एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल नहीं किया गया है। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट काफी कामों को आसान बना देगा। दोस्तों, अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज का फीचर भी है, यानी कि जितनी चाहे उतनी फोटोज यूजर अपलोड करके रख सकते हैं। ये बात भी अच्छी है। कुल मिलाकर सॉफ्टवेयर भाग में कुछ निराश करने वाला फीचर नहीं है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के अलावा एक और बढ़िया बात है इस डिवाइस की बैटरी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि फोन में 4100mAh की बैटरी है, इसलिए नोकिया 2 के बारे में कंपनी ने 2 दिन तक की बैटरी लाइफ का दावा किया है, तो एक चार्ज में 2 दिन तक बैटरी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है कैमरा की। स्मार्टफोन में 8MP का ऑटो सीन डिटेक्शन और ऑटो फोकस रियर कैमरा है जो LED फ्लैश से लेस है। 5MP के फिक्स फोकस फ्रंट कैमरा से यूजर सेल्फी ले सकेंगे। वैसे दोस्तों, इस कीमत में कैमरे से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इस कीमत में दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन में भी सामान्य फीचर्स ही आती है। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 4G LTE सपोर्टेड स्मार्टफोन है, यानी कि इसमें जियो सिम भी चलेगा। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ 4.1, माइक्रो USB, 3.5mm हेडफोन जैक और साथ ही स्मार्टफोन सिंगल सिम और डुअल सिम वेरिएंट में उपलब्ध है। डुअल सिम वेरिएंट में यूजर 2 SIM कार्ड और 1 microSD कार्ड का एक साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेंसर्स में एम्बेड लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर और ईकंपास सेंसर भी शामिल है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्मार्टफोन अच्छा है। कमजोर हार्डवेयर के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा लगती है। बाकी कम रैम और कमजोर प्रोसेसर के कारण स्मार्टफोन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। बाकी कैमरा, बॉडी डिजाइन, बैटरी और सॉफ्टवेयर में निराश करने जैसा कोई फीचर नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये थी पूरी जानकारी नोकिया 2 के बारे में और उन पर हमारा ओपिनियन। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।